दिवाली मेकअप लुक दिवाली आने वाली है तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। एंड आज की वीडियो जो है वो बिगिनर्स एंड टीनेजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है एंड आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट एंटर द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं यूज करूंगी ब्लू हेवन का प्राइमर। मैंने यहाँ पर लिया है ब्लू हेवन का प्राइमर एंड इसका पी साइज अमाउंट में दूंगी और अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। प्राइमर से हमारे जितने भी पोर्स होंगे वो सब क्लोज हो जाते हैं, तो प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाने में हेल्प करता है। तो थोड़ा सा अमाउंट लेना है, आप पूरे फेस पे आपको अच्छे से इसको अप्लाई करना है। तो गाइस प्राइमर अच्छे से अप्लाई हो चुका है, अब मैं यूज करूंगी कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है HD का प्रो कंसीलर एंड इसके साथ आपको ये एप्लीकेटर भी मिल जाता है। तो अब मैं इसे अच्छे से अपने जो भी पिगमेंटेड एरिया उस पर अप्लाई कर लूंगी। कंसीलर अच्छे से अप्लाई हो गया, मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो गाइस यू कैन सी मेरा कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है यहाँ पे एले 18 का लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, तो काफी अच्छा फाउंडेशन है, ग्लो फाउंडेशन है, तो इसको मैं अप्लाई कर लूंगी। सो गाइस फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई हो गया है और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो गाइस फाउंडेशन भी अच्छे से अप्लाई हो गया है और इसमें काफी अच्छा कवरेज दिया है। अब मैं इसके बाद अप्लाई करने वाली हूँ लूज पाउडर। यहाँ पर मैंने लिया है ब्लू हेवन का लूज पाउडर जो कि मेरा फेवरेट लूज पाउडर है, काफी ज्यादा अच्छा है। एंड गाइस अब मैं यूज करूंगी ब्लश जो कि मेरा फेवरेट है। सो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर ली है बेटर चीक्स की ब्लश पैलेट एंड इसमें से मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये वाला ब्लश का शेड। सो गाइस ब्लश अप्लाई हो चुका है एंड अब मैं यूज करने वाली हूँ मेकअप फिक्सर जिससे कि मेरा जो भी बेस मेकअप है वो सेट हो जाए। तो मेकअप फिक्सर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर विच इज वेरी गुड एंड ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड इसके अंदर विटामिन ई है जो कि आपके फेस को ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करता है, विच इज वेरी गुड। सो इसको यूज कर लेते हैं। एंड अब इसको थोड़ी देर सेट होने देंगे एंड आगे का मेकअप बाद में प्रोसेस करेंगे। सो गाइस ये सेट हो गया है, तो अब बात ही आती है हमारे आई मेकअप की। तो आई मेकअप में सबसे पहले आईब्रोज फिल करूंगी, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्विस ब्यूटी का आईब्रो डिफाइनर। सो गाइस आईब्रोज अच्छे से फिल हो गई है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का आई मेकअप। सो मैं आई मेकअप को थोड़ा सा गोल्डन टच में रखूंगी, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करना है लाइट वाला ब्राउन शेड। तो मैं यहाँ पर ये वाला ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ। सो इसे अपने पूरे आई लिड पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। एंड अब मैं यूज करूंगी गोल्डन शिमर, ये वाला शिमर मैं यूज करूंगी अपनी। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं अप्लाई करूंगी आईलाइनर। सो यहाँ पर मैं ये वाला लिक्विड लाइनर ले रही हूँ और इससे मैं अपना आईलाइनर अप्लाई करूंगी। सो गाइस आईलाइनर अच्छे से अप्लाई हो चुका है, अब मैं मस्कारा यूज करूंगी। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मालियो का लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। सो गाइस मस्कारा अच्छे से अप्लाई हो चुका, तो मैं थोड़ा सा व्हाइट वाला हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी अपने इनर कॉर्नर्स में। सो गाइस मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं यूज करूंगी हाईलाइटर। यहाँ पर हाईलाइटर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर लिया है एंड ये व्हाइट वाला मैं हाईलाइटर यूज करूंगी। सो गाइस हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई हो चुका है एंड अब मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक विच इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर ली है रीनी की फैब 5-in-1 लिपस्टिक, इसमें से मैं रेड वाला शेड अप्लाई करने वाली हूँ। लुक जो कि मेरे आउटफिट से एकदम परफेक्टली मैच आ रहा है, तो ये वाली लिपस्टिक मैं अप्लाई कर लेती हूँ।
सो गाइस मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा फाइनल लुक। दिवाली मेकअप लुक, आई होप आपको मेरा मेकअप वीडियो पसंद आया होगा एंड मेरा मेकअप पसंद आया होगा। गाइज अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया हो या मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइज अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।